मर जाएगा। सभी सरदारों से निवेदन है, जो भी सस्ता सुन रही हो या जो भी सरदार सुन रहा हो, हमारी मदद करें। एसबी साहब से बात करें, आईजी से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें, गृह मंत्री से बात करें। ऐसा तो अंग्रेजों के ज़माने में नहीं हुआ जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, सिखा उत्ते तशद्दत भारत विच लगातार वधदी जा रही है। एमपी विच किते शिगलीगर सिखा नूं उहनां दे अपने घरां तों खदेड़ दिता गया है, जो जंगलां विच आदिवासियां वांग भटक रहे ने ते गुहार ला रहे ने। सिख कौम सामने, DSGMC अते SGPC सामने, श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सामने कि साडी सार लई जावे, सानूं बचाया जावे, साडे हक सानूं दित्ते जाण, साडे घर साडियां जमीनां सानूं मोड़ियां जाण। ते दूसरे पासे यूपी विच ही जिला अमरोहा दे पिंड शेरपुर विखे एक सिख नौजवान उत्ते 150 लोकां दी भीड़ टुट पई, जिन्हां ने इस सिख नौजवान नूं बालां तों केसां तों फड़ फड़ के कुट्टिया, दस्तार उतारी अते दस्तार भी गंदी नाली विच सुट दित्ती। हो तुसीं सोच सकदे हो कि जेकर भारत विच सिखां दी इस तरीके बेकदरी हो रही है, उन्हां सिखां दी जिन्हां ने इस देश नूं आजाद करवाउण वास्ते सब तों वध शहादतां दित्तियां, उन्हां सिखां दी जिन्हां ने हर धर्म हर वर्ग की हमेशा रक्षा की, उन्हां सिखां दी जदों पूरा भारत भुखा सी तां पंजाब ने पूरे भारत का ढिड भरिया, अज उन्हां सिखां नूं कुट कुट के, घड़ीस घड़ीस के, मार मार के अपने थां तों अपने घर तों बेघर किया जा रहा है, जंगलों में खदेड़िया जा रहा है, दस्तारा उतार के बेअदबी की जा रही है, नालियों में दस्तारा सुटिया जा रही ने, पर साडे अहुदेदार अजे भी सिर्फ तमाशा वेख रहे ने। वाहेगुरु जी खालसा फतेह। गुरु प्यारी सात संगत जी, आप जी देख रहे हो, ये हम लोग पिंड लुकोट जिला खरगोन मध्य प्रदेश की शिकलीगढ़ सिख परिवार हैं, जो कि पुलिस प्रशासन से परेशान होकर जंगलों में भटक रहे हैं। आप देख सकते हो, ये यहाँ पर पुलिस प्रशासन की वजह से हम लोग पिछले 3 दिनों से जंगल में ही रह रहे हैं, और जैसे तैसे यहाँ पर भूखे प्यासे रहकर हम रह रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन परेशान कर रही है, और कुछ आदिवासी लोगों को पीछे लगा दिया है ताकि हमको ढूंढ कर पुलिस प्रशासन उन पर केस लगा सके, तो इस तरह से हमको परेशान कर दिया जा रहा है। तो कृपा करें हम पर, आप जी कृपा करके कुछ भी निर्णय लेने की कष्ट करें, क्योंकि हमको बरसात के अंदर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, पानी पड़ते पानी में हमको यहाँ पर रहना पड़ रहा है, जो जिसका कोई साधन नहीं है, हमारे पास में खाने पीने के कोई साधन नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जंगल जहाँ पर हमको रहना पड़ रहा है, ऐसे ये गाड़ी ले लेके हमको भटकना पड़ रहा है। आप देख सकते हो ये गाड़ी आ रही है, तो इस तरह से हमको जंगलों में ही रातें बिताना पड़ रही है। तो हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमें कुछ भी न्याय दिया जाए, और प्रशासन से बात करें, प्रधानमंत्री साहब से बात करें, ताकि हमारा जो ये इस तरीके से पुलिस प्रशासन हमको परेशान कर रही है, परेशान ना करे, बस यही हमारा निवेदन है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और ये आप जी देख सकते हो, ये आप बाबा जी से बात कीजिए कि किस तरह से पुलिस प्रशासन हमें परेशान कर रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारी सभी संगत से निवेदन है, जो भी संगत सुन रही है, हमारे बारे में मुख्यमंत्री या गृह मंत्रियों से बात करें कि हमारे साथ में ऐसे अत्याचार हो रहा है, जंगलों में से ले जाकर पकड़ पकड़ के ले जाकर के ले जा रही है, अवैध कट्टे लगा रही है, झूठे केस बना रही है। आज तक लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और आज हम पानियों में जंगलों में ये सब समय व्यतीत कर रहे हैं,
आज हमारे बच्चियों के साथ स्त्रियों के साथ आदावासियों को 20-25 आदावासियों को झुंड बना करके भेज रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं, ऐसे पुलिस प्रशासन परेशान कर रही है। इसलिए आईजी डीआईजी एसबी से बात करें और करके हमारे गरीबों की सहायता करें। हमें रात को पानी भयंकर पड़ रहा था, सब रात भर पेड़ के नीचे जंगल में गुजारा हमने, हमारी मदद करें। एसबी साहब से बात करें, आईजी साहब से बात करें, हमने सब धंधे छोड़ करके अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने जो कर रहे हैं, ताले चाबी जाते हैं उनको भी पकड़ के बिठा लेते हैं, सभी परेशान कर देते हैं। हमारी सभी सरदारों से निवेदन है, जो भी सस्ता सुन रही हो या जो भी सरदार सुन रहा हो, हमारी मदद करें। एसबी साहब से बात करें, आईजी से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें, गृह मंत्री से बात करें। ऐसा तो अंग्रेजों के ज़माने में नहीं हुआ जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। इसे अत्याचार से मुक्त करने की हमारे ध्यान दें। हम आज आईजी साहब से, एसबी साहब से भी जाके मिलेंगे। हमें शंका है कि रास्ते में से पुलिस उठा ले, इसलिए हम ये वीडियो भेज करके आपके पास में जा रहे हैं और हम आप पूरे परिवार को ले जाकर धरना पर जा रहे हैं। हमारी मदद करें, जो भी सुन रहा हो हमारी मदद, वो जा करके हमारी मदद करें। आईजी से बात करें, एसबी से बात करें, डीआईजी से बात करें, हमारी श्रीमणी कमेटी पर ध्यान दें, श्रीमणी कमेटी ध्यान दे करके आईजी से बात करें, हमारी दिल्ली कमेटी जा करके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री गृह मंत्री से बात करें कि ऐसी स्थिति में हम कब तक जिएंगे, हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। पग पूरी 6 मीटर की आई। फोटो सेंड कर। गुरु प्यारियो, अंत तक एक ही गल कहना चाहांगे। गुरबाणी का फरमान है, कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। ते कितना कितने हुण सिख कौम नू आप समझ लेना चाहिदा है कि साडा समा आ गया है जदों सानू सारिआं नू अपने जाति मत भेद भुला के एकजुट एक मुठ होना चाहिदा है, क्योंकि इन्हां सियासतदाना ने, इन्हां भंडी प्रचारकां ने कौम दे विच इन्ने की पाड़ पा दित्ते ने कि सिख नू हुण सिख ही नहीं रहन दिता। बहुतात गिणती उन्हां सिखां दी है जो वेखण नू तां सिख लगदे ने, पर उन्हां दे अंदर किते ना किते कोई कट्टड़वादी ब्राह्मण लुकिया बैठा है जो नहीं चाहता कि सिख कौम की चढ़ती कला हो, जो नहीं चाहता कि सिख खुश रहन, जो भुल गया है कि सिख कौम ने की कुर्बानियां दित्तियां, जो भुल गया है कि सिख कौम की नींह शहादतों के खून नाल चिणी गई सी, ते एह नींह कदे खोखली नहीं हो सकती। पर गुरु प्यारियो, जेकर कौम अजे भी एकजुट एक मुठ ना हुई, अपनियां अहदेदारियां, अपनियां कुर्सियां, अपनियां जथेदारियां पिछे जे अजे भी असी इन्हां लोकां नूं घाण करदियां वेखदे रहे, तां ओह दिन दूर नहीं होवेगा जिस दिन गुरुद्वारियां विच भी ढल खड़कणगे। ते जे इस पखंडवाद तों मेरे बाबे नानक ने सिख कौम नूं आजाद कीता सी, उस पखंडवाद विच असीं मुड़ गर्क हो जावांगे। इस लई जिन्ने भी जागदियां जमीरां वाले सिंह है ने,
जिन्हां उत्ते अजे भी परमात्मा की मेहर है, मेरे वाहेगुरु की मेहर है, उन्हां सारयां नूं जागदियां ज़मीरां वालियां नूं हथ बन के बेनती है कि तुसीं दिन रात कौम की चढ़दी कला वास्ते कार्ज कर रहे हो, पर हुण समा आ गया है कि असीं कौम नूं बनना शुरू करिए, एक धागे विच परोना शुरू करिए, तां जो आने वाले समय में किते भी किसी सिख की एवें बेकदरी ना होवे, बेअदबी ना होवे। जिस सिख नूं सारी दुनिया सरदार जी कह के नवाजती है, उस सरदारी नूं इस कदर सरे बाजार कुटिया ना जावे, बेइज्जत ना कीता जावे, बेअदबी ना कीती जावे। ते देखना यह होगा कि इस सारे मसले ते साडे SGPC दे प्रधान अते श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार की रुख इख्तियार करते ने कि कोई कड़े दिशा निर्देश जारी हुंदे ने या नहीं हुंदे। देखना हुण ए होवेगा कि कौम ते पए इस बोझ दा भार कि जथेदार दियां लत्तां वाकई ही चलणगियां या नहीं चलणगियां, क्योंकि रवनीत बिट्टू ने बीते दिन यह इल्जाम लगाए सन कि जथेदार ने हिमायत तां कर दित्ती खालिस्तान दी, पर की उन्हां दियां लत्तां भार चलण जोगियां हैगियां ने या नहीं, यह हुण आने वाला वक्त दसेगा। तो यही सब इस मसले उत्ते की सोचते हैं अपने विचार विच कमेंट्स दे विच जरूर देना। वीडियो चंगी लगी होवे लाइक ते शेयर भी जरूर करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म की हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुणे सबसक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, अते नोटिफिकेशन वास्ते बैल नूं रिंग करो।